और दोस्तों कैश लाइफ विद राखी में एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ और ये बहुत यूजफुल वीडियो है। जिनके घर में ग्लास फर्नीचर काफी सारे होते हैं उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि वो अपना ग्लास फर्नीचर कैसे क्लीन करें, तो ये उनके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा। मेरी वीडियो में शुरू से एंड तक आप बने रहिएगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, और मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ग्लास फर्नीचर को कैसे क्लीन। ये है सेंटर टेबल मेरे ड्राइंग रूम की, तो मुझको इसको भी क्लीन करना है। जो ये इसमें आप देखेंगे जो नीचे का वुड बेस है, ये जो साइड में पेबल्स और स्टोन्स वगैरह डालने के लिए ये जो जगह दी जाती है, इनमें जो स्टोन्स वगैरह हम डालते हैं बार बार उसको क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो मुझे तो ये बिल्कुल यूज़लेस लगता है। और इधर ये जो मेरी टेबल है कॉर्नर में रखने वाली, इसमें काफ़ी डस्ट आ जाती है डेली, लेकिन मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ। और आप देखोगे भी कि मैं आपको फिंगर से टच करके दिखा भी रही हूँ इसमें कितनी डस्ट चिपक जाती है। इस तरीके से ये डस्ट देखो कितनी आ गई है। तो यही जो इसका टॉप है इस पर भी ये डस्ट चिपकी हुई है, तो मुझको ये भी क्लीन करना है। और ऊपर नहीं है, ये नीचे इसका जो ग्लास का नीचे वाला पोर्शन है उसमें ये डस्ट काफ़ी सारी चिपकी हुई है। ये मेरी एक यूनिट है, बहुत ही यूज़फुल यूनिट है ये मेरी। ये मैंने बनवाई थी और सबको बहुत पसंद आई थी। ये जो है इसका ग्लास बहुत मोटा है और ये बहुत लंबी और चौड़ी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। ये मल्टीपर्पज़ है, इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, ज्वेलरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह कुछ ना कुछ मैंने इसमें रख रखा है। ये बहुत ही मेरे काम आती है और इसके ग्लास को मुझे रोज़ हटाना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं इसको धीरे धीरे खिसका के साफ़ करूँगी। और ये है एक मेरा छोटा सा कैबिनेट, इसके टॉप को मुझे थोड़ा सा एक लुक भी देना है। और ये जो मैंने नीचे लगा रखा है ये भी मैंने एक DIY करा था, इसको मैं आज क्लीन करूँगी क्योंकि नीचे काफ़ी सारी डस्ट चिपक चुकी है और रोज़ इतने बड़े बड़े ग्लासेस को हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो बस मेरे को आज यही सब करना है। और यहाँ पर आइए आप मेरी देखिए डाइनिंग टेबल, तो ये है मेरे डाइनिंग टेबल जो कि काफ़ी भारी है। और इसका जो ये आप एजेस देख रहे हैं, ये वाइट एजेस जो हैं इनमें डस्ट जो है नीचे से चिपकी हुई है। टॉप तो डेली क्लीन होता है लेकिन जो डस्ट है वो नीचे ग्लास पे चिपक गई है और इनको मैं क्लीन करूँगी। जो मैं ग्लास फर्नीचर को क्लीन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ वो है ये नॉन वोवन बैग। ये नॉन वोवन बैग्स जो हैं हमारे घरों में वेजिटेबल्स में ग्रॉसरी में हर चीज़ में आते हैं। तो मैंने लिया है ये क्लीनर और क्लीन वाटर, बिल्कुल सादा पानी है, और इनको मैं कट कर लूँगी एक हैंकी के शेप में। और फिर इनको आप ना तो वॉश का चक्कर है, कोई भी चक्कर नहीं है कि हमको कपड़ा वॉश करना है या कुछ करना है, इनसे क्लीन करिए। और इससे होगा क्या, आपके ग्लास के ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं कॉटन हैंगी की तरह। पानी में जब ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस ये है ना बहुत अच्छा और यूज़फुल टिप। जितने भी मैंने ये छोटे छोटे हैंकीज बनाए हैं और ये जो पीसेज हैं इनको मैं क्लीन वाटर में डिप कर लूँगी। इसलिए डिप करूँगी कि ये थोड़े और सॉफ्ट हो जाएंगे। सॉफ्ट होने की वजह से ये पूरे आपके ग्लास टॉप को अच्छे से क्लीन कर देंगे। और एक पीस मैंने रख लिया है क्लीनिंग के लिए। सारे टॉप को मैं इस लिक्विड क्लीनर से गीला कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसके साइड में सब जगह मैंने इसको स्प्रे कर दिया है और इसके बाद अब मैं इस टिश्यू से सबको क्लीन कर लूँगी। और ये छोटे छोटे जो पीसीस हैं इनसे मैं इस तरीके से जो इनमें कार्विंग करी हुई है इनके स्टेप्स को मैंने डाल लिया और धीरे धीरे से इनको जैसे पॉलिश नहीं करते हैं उस तरीके से इनमें मैं आगे पीछे इसको करके क्लीन कर दूंगी क्योंकि जो इनकी एजेस है बहुत ही बारीक बारीक होती हैं और उनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके की जो भी फर्नीचर्स होते हैं इनको बहुत सोच के लें क्योंकि क्लीनिंग का काम बहुत बढ़ जाता है। और इस तरीके से जैसे ग्लव्स पहनते हैं ना, इस आप अपने हाथों में इनको पहन लीजिए और जो इनकी एजेस हैं उनमें फिंगर की हेल्प से क्लीन करें
बिल्कुल ये जितनी भी इसमें डस्ट भरी हुई है सब क्लीन हो जाएगी। जब भी आप इस तरीके का फर्नीचर खरीदें, कार्विंग वाला या कटिंग वाला, जिसमें इस तरीके से डस्ट जम जाए, तो बहुत सोच समझ के खरीदें, क्योंकि इन्हें साफ सफाई करने में बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मेरे पास है तो मुझे इसको साफ भी करना है, तो ये जो है आज मैं इसको जो बिल्कुल क्लीन कर दूंगी, क्योंकि इसमें डस्ट काफ़ी दिन से जम गई है। ऊपर से तो ये दिखती नहीं है, लेकिन जब आप इसको पास से देखेंगे तो ये दिखती है। और ये सारी देखो डस्ट है, क्योंकि ये जो शीशा है इसके ऊपर जमा हुआ है, बिल्कुल इतना हैवी है ये, इसको हटाना रोज रोज बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप देखो मेरी फिंगर पे, आप देख भी सकते हैं कितनी डस्ट है, तो मुझे बस इसको धीरे धीरे खिसका खिसका के आगे पीछे करके क्लीन करना है। पहले सारी डस्ट को मैं इस टिश्यू से साफ कर लूंगी अच्छी तरीके से, और फिर बाद में शीशे को करूंगी। पहले मैं सारे टॉप पे लिक्विड से स्प्रे कर लूंगी, उसके बाद मैं इन टिश्यूज से इसको क्लीन करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अब इन टिश्यू बैग्स को यूजलेस समझ के फेंकेंगे नहीं, इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके आप बास्केट में रख लीजिए। जब आपको अपने टेबल हो या वुडन फर्नीचर है, LED है, लैपटॉप की स्क्रीन है, इससे आप आराम से क्लीन कर सकते हैं, और धोने का कोई भी झंझट नहीं है, और बाद में इनको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, ये इको फ्रेंडली भी है। और मैंने कैबिनेट के शीशे को बेड पे रख लिया है। पहले मैं वुड का बेस साफ करूंगी, उसके बाद मैं इसका शीशा साफ कर लूंगी। और मैंने शीशे को साफ कर दिया है और वॉलपेपर की हेल्प से एक इसको नया लुक दे दिया है। और यहाँ मेरे डाइनिंग टेबल का शीशा बिल्कुल चमक गया है, आप देखो बिल्कुल ही कहीं पे भी कोई भी स्क्रैच नहीं आया है, अच्छी तरीके से ये बिल्कुल साफ हो गई। और चेयर में जो डस्ट थी वो भी सारी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। और यहाँ पर जब कोई चीज़ साफ़ हो जाए तो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है, तो इसी तरीके से आप भी अपने फर्नीचर को साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पर सेंटर टेबल हो या मेरा कॉर्नर का स्टूल, सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया। आप लोगों को ये ग्लास फर्नीचर को क्लीन करने का आइडिया, आई होप आप लोगों को पसंद तो जरूर आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।